हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटा सा टेबल लैंप। तो टेबल लैंप बनाने के लिए आपको इन इन सामान की ज़रूरत होगी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है और एक डिब्बे के ऊपर मार्किंग कर लेनी है और इसमें होल कर लेना है। होल करने के लिए मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप इसके बीच में ड्रिल मशीन या फिर सीजर की हेल्प से भी होल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसके बीच में होल कर लिया है, बहुत आसानी से होल हो गया है। तो अब मैं इस पीवीसी पाइप को इसके बीच में लगा दूंगा। तो अच्छी तरह से आपको लगाना है, ये हिलना नहीं चाहिए। अगर बाद में हिलेगा तो आपका अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इसकी मजबूती भी कम हो जाएगी। तो इसे और मजबूत बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल देंगे। अगर आपके पास कोई और ग्लू है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सुपर ग्लू फेविक्विक से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, फिर कभी टूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से इसे फिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं एक एलईडी ले रहा हूँ, ये 3.7 वोल्ट पर बहुत अच्छा वर्क करती है। आप भी इस टाइप की ले सकते हो, ये 5 वोल्ट तक चल जाती है। तो अब फ्रेंड्स, मैंने एक पीवीसी पाइप को फ्लैट किया है और उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसे सीजर से कट कर लूँगा, बहुत आसानी से कट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपके पास शीट कटर नहीं है तो आप सीजर की हेल्प से कट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं भी सीजर की हेल्प से कट कर रहा हूँ, बहुत आसानी से कट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप भी इसे कट कर सकते हो अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, इसे मैं बाद में फिनिशिंग दे दूंगा, ये कहीं कहीं से अच्छी तरह से कट नहीं हुआ। तो इसके बीच में मैंने 2 होल कर लिए हैं। अब इस एलईडी लाइट को मैं इसके बीच में लगा दूंगा। तो एलईडी लाइट की वायर को मैं इस होल में से निकाल लेता हूँ, इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी जो एलईडी लाइट है वो इस सर्कल पर अच्छी तरह से फिक्स हो गई है। आप देख सकते हो, आपको भी इस टाइप से फिक्स कर लेनी है। अब फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि ये सर्कल हम कहाँ लगाएंगे। तो ये सर्कल हम इस लाइट के बीच में लगाएंगे। ये लाइट कोई किसी पुरानी लाइट की आप बॉडी ले लेना, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी अपने घर पे। अगर कोई ख़राब लाइट पड़ी हो तो आप उसकी बॉडी ले सकते हो और ये इसमें लगा देना। तो आप देख सकते हो इसे मैं सुपर ग्लू की हेल्प से अच्छी तरह से चिपका दूंगा। ये सुपर ग्लू ही यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप सुपर ग्लू का यूज़ करना, फेविक्विक से नाम से आपको 5 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा। तो अब फ्रेंड्स, मैं एक पाइप ले रहा हूँ, ये पाइप बहुत ही अच्छा पाइप है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप भी इस टाइप का पाइप ले सकते हो और ये आसानी से बेंड हो जाता है। तो आप अपने घर से पाइप ले सकते हो, आपको अपने घर से पाइप आसानी से मिल जाएगा। और इस पाइप को हम इस कैप के ऊपर अच्छी तरह से सुपर ग्लू से चिपका देंगे मजबूती से, ताकि ये फिर कभी टूटे ना। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी चीज़ बनानी है वो मजबूत बनानी है। मैं सबसे पहले इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वो मजबूत होनी चाहिए, कभी टूटनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोई फ़ायदा नहीं है आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाओ बाद में वो टूट जाए। इसलिए आप पहले ही थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से ग्लू लगाए उस पर, ताकि वो कभी ना टूटे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे ऊपर वाला, हमने बिल्कुल इसकी बॉडी सब कुछ तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें एक ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे ताकि हम इसे ऑन या ऑफ कर सकें। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ और इसमें होल कर लूँगा और स्विच को इसके अंदर लगा दूंगा। तो आप देख सकते हो स्विच कितनी आसानी से इसमें फिट हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब फ्रेंड्स, हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको लाइट और बैटरी के सीधे सीधे कनेक्शन करने हैं और बीच में से किसी भी वायर को कट करके उसमें एक स्विच लगा देना है। बहुत ही आसान कनेक्शन है ये, तो सभी को ही आते होंगे, वैसे भी आपको आते ही होंगे क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ देखते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कनेक्शन नहीं पता चले तो आप गूगल से कहीं से भी डायग्राम निकाल सकते हो, आपको 150 डायग्राम मिल जाएंगे, बहुत आसानी से उन्होंने समझाया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस सेल को यहाँ पर लगा दूंगा। पावर देने के लिए मैं 3.7 वोल्ट का सेल यूज़ कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको इसे नाइट में टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तो आप देख सकते हो अभी नाइट नहीं है, अभी मैंने रूम की सारी लाइट्स ऑफ करी हैं, अभी भी रोशनी आ रही है, फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क कर रही है। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ।